हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप? बोला सर बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। कमेंट करके बताओ मजे में है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 6। तो पार्ट 5 में, दैट मींस फिफ्थ पार्ट में हमने पढ़ा हुआ था बायो सेवर्ट लॉ को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको तो क्लियर हो जाएगा, और जिस स्टूडेंट को पहले से कोई डाउट है इस डेरिवेशन में, मैं आपको लिख के देता हूं कि आज के बाद वो डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर 1% किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट करके जाना, आपके कमेंट का सोल्यूशन देना मेरा जवाब है मेरा फर्ज है, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन मैं आपके दिमाग के अंदर एक चीज छाप के रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मतलब बोलते बोलते मैं कुछ बोल जाऊं उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आज के इस वीडियो में केवल डेरिवेशन में आपको पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में जो हम आएगी पार्ट 7 उसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे, ओनली न्यूमेरिकल होंगे जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, वहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जो कि आपके हॉर्स से होंगे, जो आपके एग्जाम्पलर से होंगे, जो आपके NCERT से होंगे, जो आपके हर बोर्ड के लिए एसेंशियल होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो मेरे पास ये रहा एक कंडक्टर, इसमें हो रहा है करंट फ्लो, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। हमें निकालना है कि लेट्स से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये बता दो। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट पी है कहां। तो आपने कह दिया कि सर जो पॉइंट पी है ना, इस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर किसी के दिमाग में ऑब्जेक्शन आया कि सर 10 सेंटीमीटर तो यहां से भी हो सकता है ना। तो हमने कहा हो तो सकता है, तो इसका मतलब है, बोले 10 सेंटीमीटर यहां से भी हो सकता है, बोला हो तो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी को अगर आपको डिफाइन करना है, एग्जैक्ट उसका एड्रेस बताना है, तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 सेंटीमीटर पर है कंडक्टर से। आपको कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा कि हम इस पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खड़े हो, आपने अपने फ्रेंड को फोन लगाया, अरे हेलो, अभी रिंग जा रही है, हेलो रिंग जा रही है अभी, ठीक है ना। उसने फोन उठाया, हेलो बोल। तो आपने कहा अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ रेड कार के सामने। वो आया रेड कार के सामने, ठीक है ना, रेड कार के सामने, मतलब घर से आ रहा था। आपने बता दिया अरे मैं रेड कार के सामने खड़ा हूँ। तो आप रेड कार के सामने खड़े थे, जब तक वो आया रेड कार चली गई, रेड कार चली गई। तो वो ढूंढेगा कहाँ आपको, क्या आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाएगी उसकी? नहीं मिल पाएगी ना। वो अब पूरे रास्ते में, अब मान लो कि रेड कार जो है पहुंच के वहां पहुंच गई, जब तक वो रास्ते में था उसको लगा कि भाई मेरा दोस्त रेड कार के सामने खड़ा है, समझ गए ना। तो फिर क्या होगा, वो देखेगा आपको उसके आसपास कहाँ हो, तो क्या वो आपको पहचान, क्या वो आपको ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। तो एड्रेस देने के लिए ऐसी चीजों का एड्रेस देना चाहिए जो फिक्स हो। आपने कह दिया, वो देखो आपने कह दिया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने आपने कहा कि मैं वो वाले स्कूल से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ उसके ठीक सामने। आपने कह दिया कि इसके पीछे एक येलो कलर का हाउस है, उससे मैं 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ लेफ्ट में। आपने कह दिया देखो सामने एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उससे मैं खड़ा हूँ राइट में, या फिर उसके सामने, या नॉर्थ में, ईस्ट में, आपने कुछ ही बता दिया। तो आपने 3 लोकेशन दे दी, तीनों फिक्स हैं, ठीक है ना। तो अब वो आपको देखेगा कि स्कूल के 10 मीटर आगे ये रहा, ठीक है, वो वाले येलो हाउस के 20 मीटर पीछे ये रहा, पोल के 10 मीटर आगे ये रहा। अब आप जैसे मान लो, अगर आप जो है ना कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो आएगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी ढूंढ लेगा, ठीक है ना। तो अब वो आ गया, बोला हेलो कहाँ है, बोलो मैंने पूरा एड्रेस तो बता दिया उसको, तो आप उसको आराम से ढूंढ पाओगे, समझ गए ना। तो जब भी आपको एड्रेस देना हो, आप हमेशा फिक्स रेफरेंस का एड्रेस देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मुझे पॉइंट पी का एड्रेस देना है, तो मैं इसको बिल्कुल सीधे तरीके से बताऊंगा कि ये देखो ये रहा मेरा, ये मैंने कह दिया कि भाई ये है डिस्टेंस ए फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, क्लियर है, ये इसका सेंटर ओ, इस ओ सेंटर से पी तक की डिस्टेंस ए, ठीक है। अभी तो मैंने एक ही एड्रेस दिया है, अभी तो मैंने बताया कि स्कूल के मैं सामने खड़ा हूं। इसके बाद देखो हम एंगल डिसाइड करेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि मैंने कहा ये देखो यहां से, मतलब ये वाले एंड से मैंने बताया, लेट्स से ये कंडक्टर हो गया x और ये हो गया y। तो मैंने कहा x और y,
मतलब जो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई से जो एंगल बना रही है वो बनाती है फाई वन, कितना फाई वन। अब इसी पॉइंट P को डिफाइन करने के लिए मैंने एक और रेफरेंस डिसाइड किया जो कि है दूसरा एंगल जो कि है फाई टू। मतलब अगर कोई यहाँ पे खड़े होके या फिर मैं बोलूँ P पॉइंट पर खड़े होके इस X पॉइंट को देखेगा तो उसको फाई वन एंगल बनाना पड़ेगा, इसको देखेगा तो फाई टू एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें डेरिवेशन करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, दैट मीन्स एक छोटा सा करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हो गया मेरे पास एक इस पूरे की, जैसे मान लो ये हो गया मेरे पास छोटा सा करंट एलिमेंट जो कि है डी एल, क्या है डी एल, करंट फ्लो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डी एल वैक्टर। अब मान लो कि ये रहा आपके पास कोई पॉइंट, मान लो लेट से ये हो गया आपके पास ए, क्या हो गया ए। अब यहां से लेके इस डीएल को हमने डिफाइन कर दिया कि इस डीएल की जो डिस्टेंस है टोटल, इस डीएल की जो डिस्टेंस है ओ से लेके इस पॉइंट ए तक वो है एल, ये एल और इस एल का छोटा सा एलिमेंट हो गया डीएल। इतनी बात आपको समझ में आई, मैंने आपको बहुत आराम समझाया। ठीक है, अब इस डीएल की लोकेशन को बता दो, तो हमने कहा ये जो डीएल है ना, ये जो डीएल है ना, ये देखो ये हो गया आपके पास R, क्या हो गया ये R, ठीक है ना, ये देखो आप इसको नाम दे सकते हैं R1 हो गई, ये हो गई R2 और ये हो गई R, क्लियर है बात। चलिए वैसे इनको नाम देने की जरूरत नहीं होती तो आप इनको हटा भी दें कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये हो गई A, सॉरी R। नाउ अब देखो इन दोनों के बीच में, देखो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया थीटा, कितना हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया फाइव। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि जो जो करता जा रहा हूं उसको नोट कर लें, आपके दिमाग में छाप दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर, देखो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, जबकि आपका जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल हो गया फाइव। क्लियर है, फाइव इतने का एंगल है केवल और फाइव वन पूरे का है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे फाइव इतने का एंगल है और फाइव वन पूरे का, ये पूरे का, ये पूरे का है, बात समझ गए। चलिए भाई अब कुछ नहीं करना मुझे, एक काम करना, ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया मेरे पास का आर, और देखो ये हो गया एल, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास होता है डीबी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी चीज और रह गई, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, कुछ नहीं करना मुझे सिंपल सा एक काम करना, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप तो बस तीन स्टेप याद रखेंगे, उस तीन स्टेप में आपका पूरा डेरिवेशन हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले थीटा को रिप्लेस करो, क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करो, उसके बाद आर को रिप्लेस करो, आर को रिप्लेस करो, उसके बाद डीएल को रिप्लेस कर दो, डीएल को रिप्लेस कर दो, अब काम हो जाएगा। क्या करना है, पहले थीटा को उड़ाओ, आर को उड़ाओ और डीएल को उड़ा दो, थीटा आर डीएल, काम खत्म, खत्म डेरिवेशन, जिंदगी भर याद रख पाओगे आप उसको जिंदगी भर। ठीक है ना, क्या करना है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, देखो थीटा को रिप्लेस करना है ना, तो ध्यान से देखना मेरे छोटे छोटे साथियों, ध्यान से देखो कि थीटा को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ओएपी, ये देखो यही ट्रायंगल है, मैंने ओईपी ट्रायंगल को दूर उठा लिया ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, यह ए, यह ओ और यह पी, इस ट्रायंगल को निकाल के मैंने दूर रख दिया, तो मैंने देखा कि यहां पर बना एंगल थीटा, यहां पर बन रहा था 90 डिग्री और यहां पर बन रहा है फाइ, क्या बन रहा है फाइ। ठीक है, तो मुझे किसको रिप्लेस करना है, सबसे पहले मुझे रिप्लेस करना है थीटा को, तो मैं लिखूंगा यहां पर इन ट्रायंगल ओएपी, ठीक है, या एओपी लिखते हैं, एक ही बात है एओपी। ठीक है, नाउ अब देखना ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 5, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। क्लियर, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट करो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही,
ये हुई बात, ये मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मैं आपसे बोलूं कि अगर आप, अच्छा पहले आपने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, अब इसको मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, हालांकि सेकंड इक्वेशन नहीं है ये, तो केवल थीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप इसको रिप्लेस करो, तो db इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4π। ठीक है, आपने एक काम कर लिया, आइडियल साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90 माइनस पाई अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में दिया हुआ है r स्क्वायर। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया आपके पास आइडियल साइन 90 माइनस पाई को क्या बोलेंगे, कॉस पाई अपॉन में क्या है r स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक काम कर दिया, मतलब थीटा को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद रिप्लेस करो r को। ठीक है, थीटा को रिप्लेस करने के बाद r को रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे देखो, डायग्राम आपको ये अलग से नहीं बनाना है, ये मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बनाना है। ठीक है ना, बनाया है। तो r को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो r को रिप्लेस करने के लिए लेट्स हमने माना कि फाई, ये सारी वैल्यू फाई में हो गई ना, तो हम एंगल फाई को मानेंगे। किसको एंगल लेंगे, बोला फाई को। तो अगर मैं यहां से बोलूं ये तो है r, ये है आपके पास a और ये है l। तो अगर मैं आपसे कहूं कि cos phi क्या हो जाएगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देखो phi cos phi, तो देख रहे हैं ध्यान से, ये हो गया आपके पास बेस, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये 90 डिग्री और ये phi एंगल, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, a अपॉन r हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, a अपॉन r। तो r की वैल्यू मैंने क्या कहा, थीटा को रिप्लेस कर दिया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी a अपॉन cos phi। तो यहां से मैं बोलूंगा r इज इक्वल टू a 1 अपॉन cos phi होता है sec phi, तो r की वैल्यू हो गई a sec phi। क्लियर इतनी बात, तो बस मैं ये r की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, r को रिप्लेस कर दिया, dl को रिप्लेस करने का तरीका और ढूंढते हैं, क्या करते हैं, dl को रिप्लेस करने का तरीका और ढूंढते हैं। तो देखो मैंने कहा आपसे कि यहां पर r को रिप्लेस कर दूंगा, ये मेरी कोई वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ dl को रिप्लेस कैसे करूंगा, तो देखो अगर मैं यहां पे देखूं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं सारी चीजें फाई फाई में रख रहा हूं, फाई फाई में, तो देखो मैं देखता हूं कि tan थीटा, dl की वैल्यू के लिए मैं क्या निकालता हूं, सॉरी tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मैं l की वैल्यू निकालूं, किसकी, l की वैल्यू क्या करूंगा, dl को निकालने के लिए l की वैल्यू निकालूंगा। तो l की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, phi देख रहे हो ना, तो उसको तो हटा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये रहा मेरे पास, ये है मेरे पास बेस और ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, है ना, जिसके साथ 90 डिग्री और एंगल phi बनता है, मतलब एंगल बनता है वो बेस होता है। ठीक है ना, तो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, तो l अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया tan phi। ठीक है, अब देखो l की वैल्यू क्या आ गई यहां से, a tan phi, ये आ गया मेरे पास l, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dl। तो जब भी मैं l को dl बनाना चाहता हूं तो मैं करता हूं डिफरेंशियल, क्या करता हूं डिफरेंशियल, यही करना होता है मुझे। और अगर dl को l बनाना होता है, db को b बनाना होता है, dx को x बनाना होता है, छोटे छोटे dw को w बनाना होता है, तब करता हूं इंटीग्रेशन, मतलब उल्टा। ठीक है, तो l को dl बनाना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो क्या लिख दूंगा यहां पे, a sec square phi d phi। ठीक है ना, a sec square phi d phi, क्लियर इतनी बात। चलिए, तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, ये मैंने लिख पाया dl को, किसको लिख दिया मैंने, dl को। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं इनको रिप्लेस करूंगा, मतलब इनमें पुट करूंगा। तो अब आप इन सारी चीजों को नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया नोट, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब देखो यहां पर मैं बस वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ ध्यान से देखो, मैंने ये फॉर्मूला है मेरे पास, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। आई को मुझे कुछ नहीं करना, dl की जगह क्या पुट करूंगा, a sec square phi, जो कि tan phi का इंटीग्रेशन है। तो मैं लिख दिया a sec square phi d phi।
ए सेक स्क्वायर फाई डी पाई। इसके बाद क्या बन गया, या फिर चलो मैं ऐसा बोल दूं, मैं ऐसा बोल दूं कि मैं इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देता हूं, जो कि होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहां पे पुट करूंगा, थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी जगह ही बना लेते हैं अपन। नाउ इस इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है ना। तो db इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास i, dl की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, ये हो गई dl की वैल्यू। इसके बाद cos फाई, जैसा कहे ऐसा cos फाई, क्योंकि हम रिप्लेस कर चुके हैं पहले से। नाउ अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। और एक चीज और हम फिर से मिस कर गए, जो कि आपका म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। क्या, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, भाई ये चीज नहीं छोड़नी हमें, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या करना है, बोलो कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू को और रिप्लेस कर दो। आर की वैल्यू क्या निकाली है, ए सेक पाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या था, आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ये है। चलिए कैंसिलेशन करें, तो डी बी इज इक्वल टू ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आई तो बचेगा बचेगा। नाउ ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आई कॉस फाई डी फाई, और नीचे बचेगा आपका सिंपल ए, ए बचेगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर डी बी इज इक्वल टू जो बच रहा है, रिमेनिंग है, वो है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू में है आपका कॉस फाई डी फाई। ठीक है ना, तो बस ये मेरे पास db की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पूरे लेंथ के लिए मिल जाएगा, पूरे कंडक्टर के लिए। ठीक है ना, देखो ये तो dl के लिए आई, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस तरह से कि मान लो कि ये पूरा वायर कवर हो जाए तो मुझे मिल जाएगा पूरी मेरी फील। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे लिमिट पुट करनी पड़ती है कि मैं इस कंडक्टर का कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये मेरा फाई वन है नीचे की साइड, तो मैंने इसको बोला माइनस फाई वन। ठीक है, और जैसे मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये मेरा जो है ना 30 डिग्री है और ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ये माइनस 30 है ये प्लस 30 है। ठीक है, तो देखो यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, बोला माइनस फाई वन से लेके प्लस फाई टू तक, ताकि हमारा ये पूरा वायर है ये पूरा वायर कवर हो जाए। क्लियर है, तो अब मैं इसको हटा दूं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, माइनस फाई वन से प्लस फाई टू तक। ठीक है, जैसे माइनस थर्टी से प्लस थर्टी तक कर रहे हैं वैसे इंटीग्रेशन होगा माइनस फाई वन से लेके प्लस फाई टू तक। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, बी। तो बी इज इक्वल टू हम क्या बोले भाई यहां पर, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट किस पे आ जाएगी, माइनस फाई वन से लेकर फाई टू तक। देखो ये तो बाहर आ जाएगा ना, ये तो कॉन्स्टेंट है। इसके बाद क्या बच रहा है अंदर, कॉस फाई डी फाई। ठीक है, नाउ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कितना आता है, बोला साइन फाई, लिमिट चली गई पीछे तो माइनस फाई वन से लेके प्लस फाई टू तक। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाई टू, साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन, लिमिट्स को हमने प्लेस किया। अब इसके बाद ये अच्छा 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 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये है आपका साइन माइनस फाई वन, तो ये हो जाएगा मतलब लिमिट माइनस में है ना, तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फॉर्मूले का माइनस और लिमिट का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो है हमारा डेरिवेशन हो गया हमारा किसके लिए, ये डेरिवेशन हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, ठीक है ना, अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि इफ फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आज थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है ना। तो फाई वन इज इक्वल, अगर फाई वन और फाई टू दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो देखो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि फाई वन और फाई टू 90 डिग्री कब होते हैं, तो हमेशा याद रखना ये केस मोस्ट इंपोर्टेंट केस है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एंगल अभी कितना बन रहा है, बोला आपने कहा सर 60 डिग्री, अगर मैं इसको थोड़ा सा पास में लेकर के आ जाऊं कितना बनेगा, आपने कहा सर 80 डिग्री। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर हमारा कंडक्टर बहुत बड़ा है, देखो अगर मैं यहां पे रख दिया मैंने,
तो इस पॉइंट से कितना एंगल बनेगा, देखो लाइन अप्रोक्स सीधी हो गई, अप्रोक्स सीधी लाइन हो गई ना, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब हमारा कंडक्टर बहुत बड़ा होता है, सीधी लाइन का मतलब क्या, 90 डिग्री बनने वाला है ये, तो जब हमारा कंडक्टर बहुत बड़ा होता है और जो पॉइंट पी है कंडक्टर के सेंटर में पास में होता है, पास में एकदम पास में, जो डिस्टेंस जो हमने ए कंसीडर की है ना बहुत छोटी है, तो हम बोलते हैं कि एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। जब हमारा कंडक्टर बहुत बड़ा है तो एंगल कितना बनेगा भाई, पॉइंट बी से 90 डिग्री, इन्फिनाइट लॉन्ग हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा साइन 90 वन और ये वन वन प्लस वन हो जाता है टू, तो टू अपॉन 4πa, तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, B इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आओगा। कुछ नहीं करना, एक बार फिर बता दूं कि सबसे पहले आपको एक काम करना है, नोट कर लो, पहले उसको फास्ट नोट करो ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक काम करना है, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि बोला एक वायर बनाया, बना लिया वायर बनाया, बना लिया, ये रहा पॉइंट पी, बना लिया, इसके बाद इस पॉइंट पी की लोकेशन दी, इमेजिन कर रहे हो, कर रहे हो इमेजिन, ये रहा वायर, ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस दी ए, यहाँ से एंगल बनाया फाइव वन, यहाँ से बनाया फाइव टू, इसके बाद क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करो, थीटा को रिप्लेस करो, है ना, 90 माइनस फाइव आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करने के बाद आपका आर को रिप्लेस करो, ए सेक फाइव आ जाएगा। इसके बाद डीएल को रिप्लेस करो, एल की वैल्यू निकालने के बाद सारी वैल्यू को पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दो माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि डेरिवेशन तो आपने कर लिया, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक काम और करना कि आपका जो चैनल प्रो चैनल है अभिषेक साहू प्रो, उस पर जाओ सब्सक्राइब करो, सेम डेरिवेशन 7 मिनट के अंदर खत्म करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स के लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सर नहीं करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, उतने ही ज्यादा समझ लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा नई ज्यादा एनर्जी आती जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करोगे, और जिसको जरूरत हो उसके साथ शेयर करोगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, सी यू सून।